टिकटॉक सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म पे एम्बुलेंस वाले वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। यदि आप टिकटॉक ओपन करते हैं तो आपको 80-90% वीडियो आपको एम्बुलेंस वाले देखने को मिल जाएंगे। तो इस एम्बुलेंस को मैंगलोर से बेंगलोर शिफ्ट किया गया सिर्फ 4 घंटे में, जो कि 400 किलोमीटर के आसपास है। जो नॉर्मली यदि गाड़ी से जाते हैं तो यहाँ पे आपको 7-8 घंटा लग जाता है। क्या रीजन था जिसे आपको मैंगलोर से बेंगलोर एक एम्बुलेंस को 4 घंटे में ले जाना पड़ा? इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखे तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। एम्बुलेंस में 40 साल का बेबी था जिसे हार्ट ट्रांसमिट करना था, इसलिए उसे एम्बुलेंस में ले गया और वो फाइनल एम्बुलेंस बेंगलोर में पहुंच गया। लेकिन और यहाँ पे बहुत सारे व्यक्ति जानना चाह रहे हैं ये बेबी जो है लड़का है या फिर लड़की है, इसका नाम क्या है, और जो एम्बुलेंस ड्राइवर है इस ड्राइवर का नाम क्या है, इस बेबी का सर्जरी हुआ है या फिर नहीं हुआ है या फिर कब होगा, और बच्चे को बीमारी क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, इस सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अभी तक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इनमें वीडियो की जानकारी दिया जाता है। तो फाइनली जब मैंगलोर से बेंगलोर एम्बुलेंस को 4 घंटा में पहुँचाया गया तो सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं ये लड़का है या फिर लड़की है, तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो बेबी जो है लड़का है, इस बेबी का नाम है सैफुल अजनाम, और बेबी का सर्जरी हो चुका है, लेकिन और भी बीमारी है निमोनिया, जिसे भी इलाज चल रहा है और ये बहुत ही जल्द सही सलामत हो जाएंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर मैंगलोर से बेंगलोर लाया, उसका नाम है मोहम्मद हनी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, साथ ही साथ टेक्निकल सलेन चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों